Just where do you want to go? चलो I can drive, no problem. Where do you want to go? ये वीवा रेलवे कनाडा है, वीवा रेल कनाडा और मॉन्ट्रियल का स्टेशन है. हम यहाँ पहुँच चुके हैं और मदीद वीडियो हम आपको देंगे यहाँ से. अब हमें कहाँ जाना है, हम यहाँ पे मर्सिडीज के शोरूम जाना है. हमें मर्सिडीज गाड़ी लेनी है हमारे दोस्त को, जो टोरंटो से यहाँ पर तकरीबन $8,000 का फ़र्क है. $8,000 चीप मिल रही है, तो हम यहाँ पे आए हैं. और अब यहाँ से हमें उन्होंने मर्सिडीज वैन वालों ने हमको पिकअप भेजा है, वो पिकअप हमको लेके जाएगा. भाई ये हमें पिक करना है. How far is your, how many hours? One hour? One hour. One hour? Yeah. अच्छा, 1 hour की हम लोग drive कर रहे हैं, ये लेके जाएंगे हमको 1 hour. देखें, ये माउंटेन आ गया है और हमारे दोस्त भी बना रहे हैं मजीद. आगे आपको और क्लियर नज़र आएगा, कितना खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं. ये देखें कितना प्यारा माउंटेन है. स्मॉल टाउन शोरूम के अंदर जा रहा है, पार्किंग लॉट में पहुंच चुके हैं. जबरदस्त मौसम है. सात घंटे फॉर हो गए हैं. हाँ हाँ, बड़ा अच्छी गाड़ी है. चलो खा. I can drive, no problem. Where are you gonna go? चलो खाना खा ले पहले. Let's go. अमीरा शीत टुवाक रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं और जाके देखेंगे यहाँ पे क्या खाने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों को भूख लग रही है. तो वेजी खा रहे हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं. हम लोगों को भूख लग रही थी तो हम लोगों ने कहा चलो वेजी खा लेते हैं यहाँ पर. इस एरिए से हम ज़्यादा आशना नहीं है, यानी हमको मालूम नहीं आता है ये क्या क्या खाने को है. केक है, केक है, केक है. हम लोग टोरंटो की तरफ रवा दवा हैं और आप लोग देख सकते हैं इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आर है. देख सकते हैं आप साइड में कितना प्यारा व्यू है. देख लें हम लोग ये यहाँ पर आ गए हैं. ये हर 80 किलोमीटर के बाद एक ये होता है ऑन रूट करके, जहाँ आपके टिम हॉर्टन ये सारी चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, गैस स्टेशन होते हैं. आप देख सकते हैं अभी आपको दिखा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. अभी हम यहाँ जा कर के थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे, ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद फिर ड्राइव शुरू कर देंगे. देख सकते हैं हम अंदर जा रहे हैं और अंदर जा कर के थोड़ा वे जा कर के फ्रेश होंगे, उसके बाद बाहर आएंगे. अभी हम अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या होता है. ये हर 80 किलोमीटर के बाहर होता है कि लोग थोड़ा अपने आप को फ्रेश कर लें, गाड़ी चला चला के लोग थक भी जाते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ मदीद ऑन रूट कहते हैं इसको. और ये इस तरीके से आपको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अंदर आएंगे. छोटे मोटन हैं, उसमें स्नैक की चीज़ें हैं. ये देखें एंजॉय ऑल डे ब्रेकफास्ट. ये इंफॉर्मेशन ऑन्टारियो है लिखा हुआ है. ओके, ये बंद हो गया मसाल में, 5-6 बजे बंद हो जाता है. जो टाइमिंग लिखे हुए हैं 6 बजे क्लोज हो जाता है. चलो मैं आपको और दिखाता हूँ.
अच्छा, उन्होंने ये बता दिया है कि यहाँ पर सिगरेट अलाउ नहीं है, डॉग अलाउ नहीं है, और वाईफाई वगैरह है आपके लिए। ये देखिए आप, हम अंदर आए हैं और ये रेस्टोरेंट है, ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे लोग बैठते हैं और यहाँ रिलैक्स होने के लिए आपकी ये मसाज मशीनें लगी हुई हैं, और आप इसके अंदर पॉइंट डालते हैं या आपके पैरों को मसाज करती है मशीन। या आप देख सकते हैं, मैं आपको और मजीद इंफॉर्मेशन देता हूँ उसकी। ये आपके पैरों को बहुत रिलैक्स करती हैं, ये टोकन डालने की जगह है। ये मोड सिस्टम है कि आपको पैरों को ऊपर करना है, नीचे करना है, जहाँ पर भी करना है। क्रेडिट कार्ड मशीन भी लगी हुई है, देख रहे हैं सब मशीन लगी हुई है। जैसा बैठने की सिटिंग एरिया है, खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। टिम हॉर्टन्स है, बर्गर किंग है, देख रहे हैं आप। लोग ने लाइन अप हो गए हैं और अपने लिए खाना ले रहे हैं। तो मैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आपको मरीज और इन्फॉर्मेशन देता हूँ जब तक मैं पानी पीता हूँ जाके। वॉशरूम है, आप देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये जेंट्स वॉशरूम है, ये लाइन पे वॉशरूम बने हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये हैंडी लोगों के लिए है जो व्हील चेयर पे होते हैं बेचारे। अच्छा, हेलो भैया व्यूअर, आप देखें हम 105 पर जा रहे हैं, आप स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 105, 106 के ऊपर हैं, ऑलमोस्ट 6 पे हैं। और आप देखें, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी बिल्कुल कोई झटका नहीं, कुछ नहीं, आराम से जा रही है। साफ सुथरे रोड हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। क्या हुआ अभी कुछ? क्या होना था, हम जा रहे थे, इत्तेफाक की बात है। तो पुलिस की गाड़ी मैंने देखी, उतने मैंने देखा अपने लाइट ऑन करनी और करनी थी, आगे जाके वो खड़ी हो गई। नेम प्लेट लगी भी नहीं है गाड़ी के अंदर, जब नहीं लगी हुई है तो जाहिर सी बात उसको रोकना तो है हमको। लाइट जला दी उसने, वो आई आके और उसने पीछे देखा विंडशील्ड के ऊपर, फिर कहने लगी ये तुमने परमिट पीछे गलत लगा दिया, फ्रंट विंडशील्ड पे लगाओ, पीछे नहीं लगाते। हमने कहा डीलरशिप ने वही लगा दिया, मैं क्या करूँ, तो अब आगे जाके टोरंटो में जाके उतार दूंगा। अब मेरे पीछे ट्रक आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं बहुत स्पीड थे, लेकिन उसके चक्कर में अपना रूट चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने अंडर लिमिट में जा रहा हूँ। उसको अगर जल्दी है तो वो जा सकता है, यही यहाँ का कानून है। देखिए उसने मूव कर लिया, आप इधर दिखा सकते हैं हमारे व्यूज को प्लीज। वो बहुत स्पीड से आ रहा था, तो स्पीड से जाना है, वो जा सकता है, उसका राइट है, क्योंकि उसको टिकट चाहिए, मुझे टिकट नहीं चाहिए ना। अच्छा, टिकट से मुराद ये है कि फाइन, यहाँ पे फाइन जब लगता है तो टिकट बोलते हैं। एनीवे, आप लोग हमारे साथ रहिएगा आज तक।